शादी हुई लास्ट ईयर, और शादी हुई जब लॉकडाउन चल रहा था, तो इसकी वजह से मेरी शादी में काफ़ी सारे लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे काफ़ी सारे कलीग्स कोई भी अटेंड नहीं कर पाया। और मेरी शादी में हार्डली 20 मैक्सिमम 25 लोग थे। तो वो जो एक इवेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हर किसी के लिए, और उसकी एक मेमोरी होती है, और मेमोरी को हम प्रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, एल्बम। अनफॉर्चुनेटली मेरे जो पिक्चर्स थे शादी के, वो मैंने बावजूद इसके कि मैंने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया था उसके लिए, बट समहाउ वो बात कुछ जमी नहीं, और उसमें काफ़ी सारे जो एंगल्स होने चाहिए, जो एक ग्रैंड एक उसका फील होना चाहिए, वो कहीं पे थोड़ा सा मिसिंग था। HP ग्रुप इज ऑल्सो वर्किंग फॉर वेडिंग एल्बम्स। वेडिंग एल्बम्स को वो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और बहुत 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 लार्ज स्केल पर उनका जो भी काम चलता है, वो एक ह्यूज उसका कैनवास है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा उनके काम से, जो उन्होंने मेरे लिए किया है। मेरे इस छोटे से इवेंट को उन्होंने इतना बड़ा उसको रूप दे दिया है, जब उन्होंने इसको फाइनली मुझ तक पहुँचाया इस एल्बम्स को। तो ये जो एल्बम्स है वो अलग अलग साइजेज में हैं, उन्होंने बनाए हैं, ह्यूज टू स्मॉल। प्रिजर्व किया है इन्होंने, लुक एट द कलर्स, जो आर्ट वर्क किया है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उन्होंने एक पिक्चर को लिफ्ट किया है, जो ओरिजिनली आपको वही पिक्चर्स दिख रहे हैं, लेकिन एक पिक्चर का जो पीछे से आर्ट वर्क किया है उन्होंने, जो कलर कॉम्बिनेशंस चूज किए, जो इंक है इनकी, जो HP की ओवरऑल जो एक, ये लुक एट दिस ब्यूटिफुल आर्ट वर्क। सो ये एब्सोल्युटली ब्रिलियंट उन्होंने पूरा क्रिएटिव काम किया हुआ है। लुक एट द शाइन थिंग ऑन दिस। HP ग्रुप और उन्होंने जो भी काम किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एक रॉ मटेरियल, जो इतना कुछ खास भी नहीं था, आपके पास एवरेज मटेरियल था फोटोग्राफ्स का, उसको आपने इतना ग्रैंड बना के मुझे दिया है, ये पूरी लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा, मेरे साथ रहेगा।